हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरिफ खान, लुक लाइक ऑफ अनिल कपूर, जिप जॉक प्रेजेंट झकास बॉलीवुड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज आपके बीच में एक ऐसी शख्सियत को लेकर के आया हूं मैं जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। इन्हें देखने के बाद आपके चेहरों पर मुस्कान छा जाती है। और ज्यादा क्या कहूं, इंडियन लाफ्टर शो से लेकर आज तक इनके जो फैन है, फैन फॉलोइंग है इनकी, ये देश विदेश में, हिंदुस्तान तो अलग बात है, हिंदुस्तान में तो सभी है इनके फैन, लेकिन देश विदेश में इनके चाहने वाले इतने हैं। मैं खुद इनका इतना बड़ा फैन हूँ, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि एक कलाकार होता है, कलाकार को हम प्यार करते हैं, लेकिन अगर कलाकार के साथ कोई अगर इंसान भी बहुत अच्छा हो तो उसके लिए हमारा प्यार डबल बढ़ जाता है, मतलब सोने पे सुहागा हो जाता है। तो ऐसी ही एक शख्सियत हमारे बीच जिन्हें हम एहसान कुरैशी के नाम से जानते हैं। आप जब भी इनको देखते हो आपके चेहरे पर मुस्कान खुद ब खुद छा जाती है। तो मैं चाहूंगा दोस्तों कि ऐसी शख्सियत का झकास बॉलीवुड में बहुत बहुत स्वागत है, जिनको हम एहसान कुरैशी के नाम से जानते हैं। जोरदार तालियों के साथ में एहसान कुरैशी साहब का झकास बॉलीवुड में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ भाई जी। अब यार मैं अगर अपने अंदाज से दो लाइन नहीं बोलूंगा तो आपकी ऑडियंस नहीं मानेगी कि एहसान कुरैशी ओरिजिनल है। तो मुझे बताने के लिए, एहसान कुरैशी ओरिजिनल हूं तो मैं अपना इंट्रो अपने ढंग से देता हूं। मैं अपना परिचय चार लाइन में, मेरा नाम है एहसान कुरैशी, मेरा नाम है एहसान कुरैशी, बातें करता हूँ कैसी कैसी, मीठी मीठी बातों में सबको फंसाता हूँ और रोते हुए को भी हंसाता हूँ। जी, मैं हूँ एहसान कुरैशी ओरिजिनल और आपके सामने मैं रूबरू हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, बहुत सारी हस्तियों से, फिल्मी हस्तियों से आप रूबरू कराते हैं, मुलाकात करवाते हैं आपकी ऑडियंस, उनके खट्टे मीठे अनुभव देखती है, एक्सपीरियंस देखती है, सुनती है और अमल में लाती है। मैं सिवनी जिले का रहने वाला हूँ। सिवनी जो है मोगली का शहर है आरिफ भाई, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा जंगल बुक पर आधारित फिल्म बनी थी मोगली, जंगल जंगल पता चला है और चड्डी पहन के फूल खिला है। बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि ये मोगली की रियल स्टोरी है, मगर मैं आपके इंटरव्यू के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ ये ओरिजिनल और रियल स्टोरी है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर एक बच्चा घूमता हुआ जंगल चला गया और भेड़िए के बच्चों को शेर नहीं खा गई, तो इस बच्चे में उसको अपनी ममता दिखी यार, अपना बच्चा दिखा और उसने दूध पिलाई उस रोते हुए बच्चे, और पाली और पूरी जिंदगी भर वो जंगल में ही रहा। आखिरी वक्त मरने से पहले शहर में लाया गया क्योंकि वो बीमार मिला। हाँ, दौड़ता था, उसके पास जूते चप्पल नहीं होते, तो कहीं पॉइजन हो गया था पैर में, तब हॉस्पिटल लाए। तो जब कभी आप लोग जाएंगे तो सिवनी से 100 किलोमीटर जब आप जबलपुर की तरफ जाएंगे तो 100 किलोमीटर जैसे ही महाराष्ट्र बॉर्डर खत्म होती है, एमपी की वो सरहद शुरू होती है जहां से मोगली है। मैं और मोगली दोनों सिवनी शहर के हैं, दोनों पूरी दुनिया में फेमस हुए, पूरी दुनिया में दोनों के फैन हैं। मोगली भी जापान, जर्मनी, अमेरिका, अफ्रीका सब जगह पहचाना जाता है और आपकी दुआ से मुझे भी सब पहचानते हैं। बिल्कुल, इतनी सारी हम दोनों में एकता होने के बावजूद एक फर्क था, क्या? मोगली कपड़े नहीं पहनता और मैं कपड़े पहनता हूँ और मैं कपड़े पहन के ही आपके सामने हूँ, एहसान कुरैशी हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा एहसान भाई जी, जब इंडिया लाफ्टर चैलेंज जब आया जी, उस वक्त कई लोग आए, उसमें बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आए, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से आए, लेकिन जब आप स्टेज पर आते थे, आपका क्या बोलना चाहिए, सभी से जुदा जिसका अंदाज था, क्या सभी से जुदा जिसका अंदाज था, वो शायद मैं समझता हूं कि पूरे सीजन में, वो शायद पहला सीजन हो, दूसरा हो, तीसरा हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है, क्योंकि आपका अंदाज सबसे अलग था। आपके अंदाज में, आपके बोलने में इतनी सादगी थी, आप किसी दुकान वाले से जब अंडे खरीदने के लिए जाते तो वो अंडे कैसे देता था, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा यहाँ हमारे दर्शकों को बताएं।
देखिए दुनिया उसको ही पहचान देती है या पहचानती है जिसकी जिसका अंदाज सबसे अलग हो। बेशक तो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो का फर्स्ट सीजन 2005 में आया था और आपकी सारी ऑडियंस ने देखी है। 2005 में लाफ्टर किंग राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल, नवीन प्रभाकर, पहचान कौन एक से एक हस्तियां थी और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में फेमस थे भगवंत मान, जो आप पार्टी के सांसद थे वो भी उसमें थे और दुबई जैसे इलाकों में और पूरी आधी दुनिया घूम के बैठे थे। आबिद देर मतवाला, अद्रको पंजे, उसके कलाकार हैदराबाद, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी आए थे इसमें। तो ये इन सारों के बीच में मैंने कि यार अब अखाड़े में उतर तो गए हैं, अपनी जगह बनानी पड़ेगी। तो एक पैतरा मुझे आता था आवाज का, आवाज का, और सिद्धू जी सामने बैठे थे। हाँ। और उस टाइम दो लाइन सुनाया मैंने, पहले तो उनको प्रभावित करने के लिए। हाँ। अजहरुद्दीन अगर टीम में थे उस टाइम तो सेंचुरी मार के ही वापस आते थे। हाँ। मगर जिस समय हमारा शो आया वो कैप्टन बन गए। हाँ। अब वो सेंचुरी नहीं मारते थे, जाके उनका दिमाग टीम जिताने में रहता था और जीरो में आउट होते जाते थे भलाई। हाँ। मगर किसको भेजना है किसको, ये उसमें दिमाग। हाँ। और टीम जिताते थे। तो फिर मैंने सिर्फ दो लाइन पढ़ा तो वहां से सिद्धू जी घायल हो गए। मैं कविताएं सुनाता हूँ दो या तीन, मैं कविताएं सुनाता हूँ दो या तीन, जम गया तो सचिन नहीं तो अजहरुद्दीन। ओ पाजी तुसी ग्रेट है और बजाओ ठोको ये। फिर शेखर जी ने कहा यार ये तो थोड़ा अच्छी आवाज लग रही है। तो यही वजह थी कि जब कभी नए एपिसोड की शुरुआत होती तो शेखर जी कहते थे एहसान से शुरुआत करेंगे, ये बहुत अच्छी शुरुआत दे, ओपनिंग बहुत अच्छी करते हैं। फिर मैं ओपनर बन गया। अच्छा जी। तो फिर वहां से मेरी एक पहचान बनी और मेरे बहुत सारे आइटम बच्चों ने याद कर ली। मैं जहाँ शो में जाता तारिफ भाई शो में तो मेरे पहले 5 बच्चे आते थे, एक 10 आइटम सुना के जाता थे, 5 मेरी एक लड़की आती थी, सब एहसान कुरेश। और उसके बाद कहते थे अब ओरिजिनल वाले को पेश कर। तो मैंने कहा यार ये भी बड़ी बात है और आज पूरे हिंदुस्तान में लोग अगर कविता को प्यार करते हैं तो उसमें थोड़ा सा हिस्सा मेरा भी है। वरना कविता बहुत सीमित मंच थी। हाँ, मुशायरे एक सीमित ऑडियंस थी लेकिन उसके बाहर लाके आम पब्लिक तक पहुंचाया आपने, जैसे राहत इंदौरी साहब ने शायरी का अंदाज बिल्कुल आम आदमी तक लेके आए, तो वैसे ही मेरा ये अंदाज आम आदमी तक गया और मेरी हर दो लाइन बस ऐसी छंसाती थी। कुकर बोला कढ़ाई से तू तो तवे की साली है, बाहर से भी काली और अंदर से भी काली है। तो सच भी है, कढ़ाई जो है दोनों तरफ से काली है, मगर कढ़ाई ने जो जवाब दिया आपको पसंद आए तो आप अपने अपने घर जाना और कढ़ाई की पीठ थपथपाना, लेकिन पहले देख लेना पीठ किधर है, नहीं तो हाथ काला होने का डर है। कुकर बोला कढ़ाई से तू तो तवे की साली है, बाहर से भी काली और अंदर से भी काली है। तो कढ़ाई बोली अरे कुकर तू अपने गोरे रंग पर इतना क्यों इतराता है, तू अपने गोरे रंग पर इतना क्यों इतराता है, यदि मैं काली हूं तो मुझे देख के सीटी क्यों बजाता है। अरे फिर चालू कर दो।